नमस्कार प्रणाम, हम है नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी आज फिर से निकल गई है मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि राहुल गांधी जो है विपक्ष के अभी सबसे बड़े नेता के रूप में है, और राहुल गांधी के बयान से वैसे तो हमेशा ही बवाल मचते रहता है, लेकिन इस बार जो बवाल है पुराना वाला बवाल से मिलता जुलता है। पुराना वाला बवाल इसलिए कह रहे हैं कहे कि भाई जातिगत गणना को लेकर जो है वो बिहार में पहले एक बार भूचाल मच चुका है, और बिहार के इस मुद्दे पर, जातिगत गन्ना के इस मुद्दे पर जो है पूरा देश में बवाल मचा था जिस समय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यहाँ पर साथ में थे। लेकिन भाई उस समय जो है वो खुल के लोग बोल नहीं पाए। अभी जो है राहुल गांधी फिर से मुद्दा उठा दिए हैं कि हम जो है वो जातिगत गन्ना करवा के रहेंगे पूरा देश में, और उसके बाद जो है फिर से राजनीति उफान मारने लगा है। लेकिन भाई हमारा सवाल जो है ना उन नेता लोगों से नहीं रहता, हमारा सवाल जनता लोगों से रहता है, हमारा जो चिंता है वो भी जनता से जुड़ा हुआ रहता है। कहे कि भाई जातिगत गन्ना करा के कौन नेता को क्या मिलेगा, ये सब तो हम लोग जानवे करते हैं, लेकिन भाई हम लोगों को क्या मिलेगा, आपको, हमको, हमारे देश को, हमारे देश का इसमें कितना भला है, हमारे देश में जो तमाम तरह का जो समस्या चल रहा है उसका कितना समाधान निकलेगा, और जो समस्या आने वाला है उसका कितना समाधान निकल पाएगा। कहे कि भाई हम लोग सोचते हैं कि हमारा देश जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है, हमारे देश में जो है वो गरीबी दूर होना चाहिए, हमारे देश में जो है अशिक्षा दूर होना चाहिए, रोजगार की समस्या हल होनी चाहिए, हर आदमी जो है वो बराबरी से रहेगा, सम्मान से रहेगा, तो वो सारा समस्या का कितना समाधान होगा, यही मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है। तो चलिए यही सवाल लेके चलते हैं जनता के बीच में, जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि राहुल गांधी जो है वो जातिगत गन्ना की बात तो कर रहे हैं लेकिन इससे देश का कितना भला होगा, देश की समस्याओं का कितना समाधान होगा। आइए बयान पे जो है वो राहुल गांधी के बयान पे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि जातिगत गन्ना जो है उसका कोई भी राजनीतिक पार्टी खुल के विरोध नहीं करती है, सब लोग जो है लगभग समर्थन ही करते हैं। लेकिन सवाल हमारा जनता से है कि इसमें जनता की कितनी भलाई है, जनता का कितना कल्याण होगा, देश का कितना कल्याण होगा। देखिए, बाबा अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा जी, उसने हमारे गरीब पिछड़े दलितों को आरक्षण की व्यवस्था क्यों किया, क्योंकि हम बढ़े हैं, हम बहुत बढ़ गए हैं, मेरे पिताजी मेरे दादाजी बहुत बढ़ गए, लेकिन वो बढ़े नहीं, तो समाज में सबका कल्याण होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए जब तक जातिगत जनगणना का ये आधार नहीं बनेगा तब तक कैसे विकास होगा। क्या आप चाहते हैं जानवर को मार के काट खाना, वो जानवर की तरह उससे बिहेव किया जाता है लोगों द्वारा। अब थोड़ा सा जब हमारे तेजस्वी का, नीतीश कुमार जी का सरकार बनी है तो इसमें कुछ सुधार हुआ है, पीएम मोदी भी इसी पर चल रहे हैं, ऐसे नहीं होने देंगे। मगर जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है, उस पर विकास होगा, देश का भला होगा। सिर्फ हम बड़े हो जाएं, हम पैसे दे मकान बना लें, बिल्डिंग बना लें और वो ऐसो आराम करें, उससे देश नहीं बढ़ता है। आज चले जाइए इंग्लैंड में, चले जाइए अमेरिका में, सब समान नजर आने लगेगा। रशिया में ऐसा क्रांति क्यों हुआ, सब समान, तो आपको इंडिया में भी वैसा ही विकास चाहते हैं। विकास कहते हैं जो 1947 में विकासशील से हम विकास विकसित राष्ट्र बना देंगे, लेकिन कैसे बनेगा जब तक वो नीचे तबके का लोग नहीं आएगा, तब तक ये विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा, मैं कह रहा हूँ। इसलिए जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है, उसके आधार पर आरक्षण देना भी बहुत जरूरी है। आपने आरक्षण की बात कही है, बहुत सुंदर बात है कि आरक्षण जो है वो कमजोर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। वही है, जो मंत्री बन गया उसको भी SC/ST चाहिए, जो विधायक बन गया उसको भी चाहिए, जो गरीब है झोपड़ी पट्टी वाला है उसको तो मिलना नहीं है, तो उसको अपना छोड़ना चाहिए, तब ना होगा। अब जो अमीर है वो भी SC/ST लेगा, जो गरीब है उसको मिल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चीज होना चाहिए। जाति जनगणना कराओ, लेकिन ये भी देखो जैसे फॉरवर्ड में EWS है, तो EWS में जो EWS लायक है उसको दो, लेकिन जो पूरा अमीर है उसको नहीं मिलना चाहिए। वो SC/ST में वैसे होना चाहिए, जो गरीब है उसको दो, अब जो उसको दो, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है ना, उसको मैंने जो क्रीमी लेयर का जो सपोर्ट कर रहा है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी बढ़ गया है उसको क्या बढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो नहीं है उसको मिलना चाहिए, लेकिन सब मिलके प्रदर्शन कर रहा है कि मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। आज आज तक अभी मुसहर जाति में, डूम जाति में, कौगो अभी शिक्षा दीक्षा से आगे बढ़ा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को पहले मुसहर जाति पर, डूम जाति पर, जनगणना से क्या होगा, जनगणना को क्या कीजिएगा, जनगणना में
साथ 1 लाख पड़ा हुआ है, कौन को मुसहर नौकरी कर रहा है, उसका हक हम मार के ले रहे हैं। सर का एक बात तो कहना सही है कि जिनको फायदा मिलना चाहिए, उसको सबसे ज्यादा जिनको जरूरी है उन तक फायदा पहुंच नहीं पा रहा है। मैडम आपने बताया कि जातिगत जनगणना की बात बोली, तो जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो कि जनगणना होनी चाहिए। बोलिए ना भाई, जाति जनगणना काहे ला होनी चाहिए, मनी मजदूर है जो गरीब है, हर जात में है, देश में दो ही जात है, अमीर और गरीब, कोई जात नहीं है। अमीरी और गरीबी के जनगणना के लिए उसको बढ़ाइए, दो ही जात है देश। माझी के नहीं मिलना चाहिए, माझी मंत्री बन गए, आओ दूसरे माझी के नहीं मिल चाहिए। राहुल गांधी काफी फायदे बता रहे, राहुल गांधी फायदा करते हैं, वो अपने पहले जात बताए ना कि कौन जात है वो, पहले उनका पहले ना पूछिए। एक मिनट रुकिए ना, जातिगत जनगणना क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है कि मुसहर जाति की संख्या अभी जो है 3% है और पासवान की 1% है, 2% है, तो उसको कहता है जो अगर मान लिया आरक्षण दे दीजिएगा तो आप पासवान को ही चला जाएगा सब, तो आप जातिगत जनगणना करा करके उसको उतनी भागीदारी दीजिए। जैसे बिहार में तो ये हो चुका है, तो बिहार में कितनी चीजें बदल गई। हमको बोलने दीजिए, बोलिए। विषय से विषय अंतर हो गया सब लोग। आपका जो क्वेश्चन था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, प्रश्न ये है कि जातिगत जनगणना आजादी के पहले देश की समस्याएं की बिल्कुल समस्या दूर होगी, इसीलिए उसी पे आ रहे हैं मैडम। जब जातिगत जनगणना हो जाएगा, कौन कितना विकसित है, कितना ये है, जो जो नीचे के जो 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 पिछड़े हुए हैं, वो तो जातिगत जनगणना में सभी चीजें आ जाएंगी। आप अंतिम पायदान पर जो बैठे हुए व्यक्ति है उनको तो आप लाभान्वित करेंगे, जो सरकार की योजना है। इसलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है एक देश के विकास के लिए, एक समाज के विकास के लिए। और विकसित भारत बनाने का सपना जो नरेंद्र मोदी देखते हैं, उनको जातिगत जनगणना करानी चाहिए। जातिगत गणना पे बहुत विपक्ष के लोग जो है वो काफी जो है वो जोर दे रहे हैं, हालांकि सत्ता पक्ष के लोग भी इससे इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि जातिगत गणना बिहार में भी हो चुका है और बिहार में भी मिला जुला प्रतिक्रिया रहा। बिहार में कितना चीज बदला, इससे क्या लाभ हुआ है? कुछ लाभ तो हुआ नहीं। हाँ। गरीब का जनगणना होना चाहिए, जो गरीब तबके के लोग है उसका जनगणना हो। लोग बोल रहे थे मुसर का जनगणना हो, मुसर और डोम आज यहाँ कल वहाँ, उसका तो सही ढंग से जनगणना होवे नहीं करता, उसका घर द्वार है कहीं देखे हैं, आ तो क्वार्टर में रह रहा है, न तो फुटपाथ पर रहा है, आ न तो प्लेटफॉर्म पर रहा है, तो उसका जनगणना हो तो नहीं रहा है, सबसे गरीब वही है, लेकिन उसका जनगणना तो हो नहीं रहा है। जनगणना गरीब तबके के लोग को होना चाहिए, जिससे पता चले कि गरीब कितना है, तब न गरीबी दूर होगा। अमीर है, अमीर का जनगणना क्या होगा? अभी देखिए कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है ना, युवाओं को जो है सबसे ज्यादा रोजगार के कारण इधर उधर भटकना पड़ रहा है। जातिगत गणना के बहुत सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं, क्या जातिगत गणना के बाद देश की ये जो समस्या है ये दूर हो जाएगी? नहीं, तो फिर जातिगत गणना से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, बस राजनीति होगा। यहाँ राजनीति, राजनीतिक पार्टियों को क्या आसान हो जाएगा इसके बाद, हम जो है वो कहाँ से कौन सा उम्मीदवार, कौन सी जाति का उम्मीदवार? सब यहाँ करप्शन है, ठीक है, पैसा पर हर काम कर देगा। जातिगत गणना पे बहुत जो है इधर आ रही है, जोर दे रहे हैं राहुल गांधी कि हम जो है वो देश में करवा के रहेंगे जातिगत गणना। देश का कितना भला होगा इससे, क्या लगता है? देश का इससे कोई भला नहीं होने वाला। उनका कहना है कि जितने बड़े बड़े लोग जो हैं उन सबको हम सम्मिलित करेंगे और सबको एक लाइन में लगाएंगे। नहीं नहीं, देश का इससे कोई भला नहीं होने वाला। जातिगत जनगणना जो है सो कि जानकारी हो जाएगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। हाँ। लेकिन देश का इससे कोई भला नहीं होने वाला। देश का इससे कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि क्राइम तो अभी बढ़ रहा है और ज्यादा ही क्राइम बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 जुलाई को नया कानून आया तो सब बढ़ रहा है। तो एक बार हो सकता है कि जातिगत गणना हो जाए, उसके बाद क्राइम भी कम हो जाएगा? नहीं होगा, क्राइम तो कभी कम नहीं उठता है, कि जातिगत गणना से क्राइम आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये सब वोट की राजनीति है, राहुल गांधी चाह रहे हैं कि किसी तरह से आवे, कभी का पावर नहीं आने वाले, इसलिए जातिगत गणना से कोई फायदा जातियों को भी नहीं होने वाला, ये भी जान जाइए, नहीं होने वाला, खाली राजनीति चल रही है,
मान लिया जाए क्योंकि बिहार में ये बताइए कि बिहार में जब जातिगत गणना हुई थी, इधर आ जाइए ना, बिहार में जब जातिगत गणना हुई थी तो तमाम तरह की बात जो है वो आई थी कि इतने जाति के लोग इतने सारे हैं तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी और जिसकी जितनी संख्या उतना बल उनको मिले, उतना जो है उनको हक मिले, ये तमाम तरह की बातें हुई थी। लेकिन बिहार में, क्योंकि बिहार में हमारे यहाँ हो चुका है तो हम इसका इम्पैक्ट जो है वो देख सकते हैं कि पूरे देश में होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिहार में कुछ असर देखने को मिला कि नहीं? नहीं, असर तो नहीं दिखा क्योंकि हाईकोर्ट तो रोक लगा दिया, उसी के आधार पे आपका आरक्षण लागू किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन हाईकोर्ट तो स्टे लगा दिया। उनका जातीय गणना बिल्कुल विफल रहा क्योंकि जातीय जनगणना से एक ही हो सकता है कि जातियों को बांटने का काम किया जा रहा है। जातीय गणना क्या जरूरी है? आर्थिक रूप से जितने भी गरीब हैं उनको आप आरक्षण दीजिए ना, सभी जाति को दीजिए, फिर जातीय गणना क्या जरूरत है? हमारा हिंदुस्तान सर्वधर्म है। कीजिएगा तब ना पता चलेगा कि कौन गरीब है, किसकी इनकम कितनी है, क्या है। गणना से कैसे पता चलेगा? आप सारा चीज हो तो सारा चीज आ जाएगा। आप एक एक चीज एक चीज आर्थिक सर्वेक्षण कराने से सारा चीज क्लियर हो जाएगा मैडम। उसके बाद आप उसको जो है जो आप जो सरकार की 15 योजना है उसको लाभान्वित जो सबसे गरीब है उसके पास पहुंचाइए। वोट बैंक का केवल राजनीति है और कुछ नहीं है। वोट बैंक का राजनीति है कि हम जाति को लोग बताएंगे कि आप इतने आप इतने पर लड़िए और हमारा जैसे कैसे बांग्लादेश में वैसा अगर नीति रहेगा तो हमारा देश भी गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल, कई लोगों का भैया ये भी कहना है कि जातिगत गणना हो जाएगी तो नेताओं के लिए आसान हो जाएगा कि हम कौन से जगह से कौन से कास्ट का उम्मीदवार उतारे ताकि उसको जो है वोट भर भर के मिले। जाति क्या लगता है कितना भला होगा, देश का कितना भला होगा? जाति गणना न होने से सबको फायदा होगा, फायदा होगा, पता तो चलेगा कि कौन जाति का कितना क्या है। नहीं हाँ। भैया इधर आ जाइए, नहीं इधर ये बताइए कि देश में अभी जो है वो महंगाई की समस्या से भी कुछ लोग जूझ रहे हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की चीजें हैं, बिहार में क्राइम भी जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, काफी चर्चाएं हो रही है, जातिगत गणना पे काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं राहुल गांधी, क्या लगता है कि देश की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान जातिगत गणना में छुपा हुआ है? जातिगत जनगणना से कुछ भी नहीं होने वाला है। राहुल गांधी के बारे में मैं क्या बोलूं, राहुल गांधी महान है, महान है। वाह, तो ये बताइए कि वो जो महान एक निर्णय भी जो ले रहे हैं कि हम जो है वो देश में करा के रहेंगे जातिगत गणना, इससे देश का कितना भला होगा? कुछ होने जाने वाला नहीं है, ना उनसे कुछ होने जाने वाला है, ना इससे कोई फायदा है। कुछ लोग ये भी पक्ष रख रहे हैं कि इससे जो है पता चल जाएगा कि कौन सी जातियां कितनी है तो उनके लिए विकास के कार्य करना आसान हो जाएगा, उनको काम करने से फुर्सत नहीं मिल रहा, वो जातिगत गणना कर रहे हैं, ये करने उनको कुछ होने वाला नहीं है ना। वो चेहरा पॉलिसी है, फूट डालो राजनीति करो। हाँ, तो ये जाति में बांटना चाहते हैं? जाति में बटा ही हुआ नहीं है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। जय श्री राम। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, अगर वो कह रहे हैं कि हम जो हैं वो देश में जातिगत गणना करा के रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो सोच के ही कहा होगा। जातिगत जनगणना कराने से बहुत फायदा है। हाँ, फायदा होगा, क्या क्या फायदा भैया? इससे पता चलेगा कितना परसेंट कौन लोग है। हाँ। उसमें छूट जो दिया जाता है, अभी जनरल को दिया जा रहा है 10% छूट, क्यों दिया जा रहा है? वो करवाया जाएगा। जनरल में भी तो गरीब लोग हैं ना भैया, ऐसा थोड़ी है कि सारे ब्राह्मण, सारे राजपूत, सारे लाला और सारे जो तो जनगणना कराने से और क्लियर हो जाएगा ना किसको कितना क्या दिया जाए ताकि कैसे आगे बढ़ाया जाए। वही बहुत सारे, देखिए कि हम सिर्फ सवर्ण का उदाहरण नहीं देंगे, बहुत सारे हम लोग सब हिंदू है। आप जाइए नौकरी में, सीधे देखेगा नीचे मुसहरे चमारे तो बोलेगा नीचे बैठो, उसको प्रमोशन नहीं देता है, बहुत प्रॉब्लम है। प्रमोशन नहीं देता है, बहुत प्रॉब्लम है जातिगत जाति में। ऐसा है भैया? अच्छा, अभी देखिए कि एक पक्ष ये भी रख रहे थे कि बहुत सारे जो कहा जाए कि जो दूसरे कास्ट से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मंत्री नेता तक बन गए हैं, वहीं उन्हीं कास्ट के लोग जो हैं वो अभी तक जानते भी नहीं है कि आरक्षण क्या चीज है। तो वो मंत्री नेता बने कितना परसेंट बने, बताइए आप। अभी तक बड़ा बड़ा जितना भी, हमारा ये कहना है कि जो फायदा जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक कहीं ना कहीं नहीं पहुँच पा रहा है, पहुंचा ही नहीं, समझिए पहुंचा ही नहीं, 1% से भी कम पहुंचा है। इसीलिए जातिगत जनगणना होगा तो उसे पता चलेगा कौन क्या है कैसे है, उसे फिर बराबर किया जाएगा सबको। क्या भैया क्या लगता है, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी जातिगत गणना अगर एक बार हो जाए तो? बिल्कुल बिल्कुल, जातिगत जनगणना और एजुकेशन की बात करें तो दोनों अलग अलग चीज है। एजुकेशन के लिए तो उसके लिए अलग ही स्टेप लेना होगा और जाति जनगणना को हम अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जातिगत गणना से क्या फायदा हो सकता है, क्या उसमें क्या लगता है, कितना संभावना नजर आता है? संभावना है मैम कि अगर जाति पिछड़ी जाति है उनको उस लेवल तक पहुंचाया जाए, बस मकसद तो यही आरक्षण का हमारे हिसाब से, कि जो जाति पिछड़ी है जिनको अपने अधिकार
नहीं पता है तो वो उस जगह पे पहुंच जाए, बस जाति जनगणना का मकसद तो हमारा इसी हिसाब से समझ में आता है। लेकिन ये है मैडम कि लोगों को इसके तह तक जानकारी नहीं है। अभी हम लोग जो यहाँ हो रहा है, कोई आकर के आपका क्वेश्चन ले रहा है, कोई आके जय श्री राम कह दे रहा है, कौन कह रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है, कौन कह रहा है माझी। मूल समस्या के समाधान में है कि जातिगत जनगणना देश के विकास के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये पूरा खाक खुल जाएगा। जो कर रहे हैं जहाँ तक, अगर जातिगणना हमारे बिहार में देश में लागू है ना, आरक्षण व्यवस्था, आरक्षण व्यवस्था लागू है, लेकिन जहाँ सुरक्षित सीट है उस पर रामविलास जी लड़े, रामविलास जी के बेटा लड़ेंगे, उनका बेटी लड़ेंगे, अशोक चौधरी की बेटी लड़ेंगी, ये क्या फायदा? जातिगत जनगणना ले लोगों को भुलाने का और वोट बैंकिंग का केवल किया जा रहा है, क्या होगा आरक्षण से? अभी एक भैया कह रहे थे कि अभी तक जो है वो जातिगत गणना होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जाति का किसी को अभी तक फायदा मिल ही नहीं रहा, आरक्षण के बल पे लोग आ तो जाते हैं, लेकिन जाति देख के उनको नीचे बैठा जाता है, उनको आरक्षण नहीं दिया। ऐसा कोई कह रहा है कि आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, प्रमोशन, उनका प्रमोशन। मैं भी एक पंचायत प्रतिनिधि हूं, कहां आरक्षण? जहां पे मेरा प्रमुख जो जनरल में रहते थे 3 दिन बाद अभी वहां एससी एसटी प्रमुख बना हुआ है, क्यों नहीं मिल रहा है लाभ? और वही सीट है ना, आपको सब कैसे मिल जाएगा? देश सर्वधर्म है, सभी को मौका दिया जाता है, आपका सीट तो माननीय नीतीश कुमार रिजर्व की है, तब उसमें जो सबसे सुपर में है अभी अशोक चौधरी अपनी बेटी को टिकट दिलवा दिए तो अपने को सांसद बना दिए, तो क्यों नहीं आप वहां से लड़े? खुद जो आरक्षण दिया गया वहां के लोगों को लड़ना ना चाहिए? मतलब आपका ये कहना है भैया कि जो जाति से अगर मान ले जाए निकल के बाहर बड़े बन भी जाते हैं तो फिर वापस वो अपनी जाति को ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करते? नहीं, उनको क्यों जरूरत है? उनको तो मजा लेना है, मलाई मारते हैं। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि क्रीमी लेयर को छांटिए, क्या गलत गलत डिसीजन था? कितना अच्छा था। और लोगों को बहकाया गया कि अभी तो उस संविधान में लागू किया जा रहा है, फिर पूरा संविधान में छेड़छाड़ करके जाति खत्म कर दिया जाएगा एससी एसटी, ऐसा लोगों को बहकावा किया गया पूरे देश में। कहां बंदी रहा है इसका? पढ़े लिखे जो इसमें है, मजबूरी में लोग राजनीति करने वाले केवल बोल रहे हैं कि जाति गणना जरूरी है, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं जान रहे हैं कि हो जाएगा तो हम लोग का सीट चला जाएगा, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है जाति गणना। लेकिन एक ही कंसर्न है भैया कि इसमें देश का कितना फायदा है, इसमें देश का कितना भला है? क्या फायदा है देखिए, जाति गणना नहीं होना चाहिए। क्या क्यों नहीं होना चाहिए? कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक को बुड़बक बनाने वाली काम है। सिर्फ बुड़बक बनेगी, बुड़बक बनाने वाला काम है, बहुत सारे अपना फायदे उठा सकता है सब। अच्छा, लेकिन देखिए विपक्ष के अभी कहा जाए सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी उभर के फिर से इस चुनाव में आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम जातिगत गणना पूरे देश में करा के रहेंगे। राहुल गांधी को पहले सीखना पड़ेगा बहुत कुछ, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। राहुल गांधी जो भी बात बोलते हैं, किस जाति में गन्ना होगा राहुल गांधी का? बाइडेन रूल कर रहे हैं, राहुल गांधी का किस जाति में गन्ना होगा? मुस्लिम नहीं, वही कह रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का खुद किस जाति में होगा? बताएं दे, वो अपना जाति पहले अनाउंस कर दे कि हम फलना जाति हैं, तब न दूसरे को जाति पूछेंगे जाति का हो। जैसे मान लीजिए भैया कि हम जैसे आप जैसे आम लोग जो है वो अगर नौकरी कर रहे हैं तो अलग स्टैंडर्ड रहेगा, जैसे ही नौकरी चली जाएगी तो थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल करेंगे अपने खर्चे को, है ना, कि जब तक दूसरी नौकरी मिल ना जाए तब तक जो है वो अपनी व्यवस्था को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जो नेता लोग होते हैं उनका टशन जाता नहीं है, सत्ता जाने के बाद भी टशन जाता नहीं होता। आरक्षण जाति विशेष पर देख करके नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण जो गरीब है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वो पासवान हो, वो आदमी को आरक्षण गरीबी को देख करके सर्वे करना चाहिए। सर्वे केवल जाति का ना हो, सर्वे गरीब का हो, जिससे कि गरीब जो है उसको आरक्षण दिया जाए। अभी देश में जो है वो बहुत तरह की समस्या है, युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी समस्या हमको लगता है रोजगार की है, और रोजगार के मामले में ही इस सरकार को जो है सबसे ज्यादा घेरा जाता है। क्या लगता है कि एक बार जातिगत गणना हो जाए तो रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी? जातिगत जनगणना से नई समस्याएं तो नहीं लगता है सॉल्व हो पाएंगी। दरअसल देखिए, भारत एक जनसंख्या विस्फोट वाला राज्य है, भारत में भी जनसंख्या 140 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है, बिहार में भी जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है। एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर जातिगत जनगणना हो रही है, मान लीजिए बिहार के लिए अगर हम लोग बात करें, तो अगर किसी भी जाति को ऐसा लगता है कि उसकी जनसंख्या कम हो रही है तो परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम है, हो सकता है वो छोड़ दें और जनसंख्या विस्फोट और भी ज्यादा हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर चीज बताएं, लेकिन सही चीज बताएं। बिल्कुल, मैं कह और ये आपने आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जब बिहार में जातिगत गणना हुई थी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ये ऑफिशियली बयान दिया भी था। जी जी मैम, बिल्कुल, हमारी संख्या जो है वो अचानक से कम कैसे हो गई है? तो फिर वो क्यों परिवार नियोजन करेंगे मैम? फिर जनसंख्या घनत्व और बढ़ेगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी,
बढ़ेगी, गरीबी और बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति जो आय है मैम और ज्यादा कम होगी। तो आपने बात कही कि फिर तो लोग चाहेंगे कि हमारी संख्या इतनी कम हो गई है तो हम लोग को तो भागीदारी ही नहीं मिलेगी। और सोचिए बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी, एक तो रोजगार की इतनी बड़ी समस्या है ही यहाँ पर, सरकारी नौकरियों का कोई ठिकाना नहीं है यहाँ पर, निजी जो है जो कंपनियां है वो बिल्कुल है नहीं, इंडस्ट्री बिल्कुल है नहीं, एमएसएमई उद्योग की बात करें तो वो भी एकदम जो है गर्त की स्थिति में जा चुका है। तो फिर जो है ऐसे वर्ग जो कम पढ़ लिख रहे हैं उनको रोजगार कहाँ मिलेगा, फिर वो अंत में चलकर लेबर बनेंगे, दूसरे राज्यों में जाकर के केवल और केवल श्रमिक के तौर पर काम कर सकते हैं। भैया कह रहे हैं लेबर का हब बनते जा रहा है, हब बनते जा रहा है मैम, और वो फिर जो है यहाँ का श्रमिक जो है यहाँ का जो व्यक्ति हो आगे जाके श्रमिक के तौर पर काम करेगा। बार 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 जातिगत जगराना मैम केवल पॉलिटिकल स्टंट है, इससे आम लोगों का कोई भलाई नहीं हो रहा है, ये केवल फूट डालो और राजनीति की बात कर रहे हैं। इसमें बहुत सारा देश को बांटा जा रहा है, देखिए देख रही है ना, ये गलत है। हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में नहीं जाति में बांटा जा रहा है ना, हिंदू मुस्लिम का थोड़ी मैम, केवल हिंदू और मुस्लिम का जनगणना थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, दो जातियों की बात कहाँ से आ गई, यहाँ पर तो सभी जातियों की गणना हो रही है ना। दरअसल जो उद्देश्य बताया जा रहा है जाति जनगणना के लिए कि हम जो है दरअसल सभी जातियों की जनगणना करेंगे आर्थिक रूप से जातिगत आधार पर, जो जातियाँ पिछड़ी होंगी, जो अशिक्षित होंगी, जहाँ पर ज्यादा समस्याएं होंगी, उनको दूर करने के उद्देश्य से ये जाति जनगणना की जा रही है। लेकिन मैम हम सबको पता है कि जो उद्देश्य होता है वो हमारे देश में पूरा नहीं हो पाता है। भैया जो उद्देश्य आपने बताया उसके लिए तो जाति गिनने की जरूरत ही नहीं, उसके लिए तो सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा तो उसमें कम हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं मैम जहां पर वास्तव में दिक्कतें हैं, वहां पर जो है कई बार ऐसी देखा जाता है कि वहां पर आर्थिक रूप से नहीं मतलब शैक्षिक रूप से पिछड़ापन है, वहां पर लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, कुछ ऐसे पारंपरिक रोजगार में लग चुके हैं, तो उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उन लोगों को हो सकता है शिक्षित करने के उद्देश्य से, ये उद्देश्य तो ठीक रखा गया है, लेकिन कई बार जब बहुत सारी चीजों को देखने के बाद पता चलता है तो ये पूरी तरीके से एक राजनीति का केंद्र बन जाता है ये। जैसे हम और आप सब बात कर रहे हैं यहाँ पर जो है ये ठीक है कि नहीं ठीक है, तो ये पूरी तरीके से राजनीति की ही हम लोग बात कर रहे हैं वास्तव में, इसका आम जनमानस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिनकी गणना हो रही है उनको तो पता ही नहीं हमारी गणना किसके लिए हो रही है। करके इस एजेंडा में लोगों को उलझा के रखा जा रहा है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है, देश का कोई हित नहीं है, सारा निचोड़ यही है कि देश का अहित है। देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जातिगत गणना जो है उस पर मिला जुला राय जिस तरह से नेताओं के हैं उस तरह से लोगों में भी है, लेकिन जनता का सवाल अभी भी अटल है कि हमारा भला इसमें क्या है। हमारा भला अगर आप बताइए, अगर आप ये बताइए कि जातिगत गणना के बाद उस रिजल्ट का आप क्या करेंगे, उसका फायदा हम लोगों को किस तरह से पहुंचाएंगे, तो हम इसका समर्थन जरूर करेंगे, वरना हमारे लिए किसी काम का नहीं है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। Oh, 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 oh,